गुड मॉर्निंग. तू आता घराच्या बाहेर जाणार आहे. काफी एक्साइटेड होती मैं. लाइक वाओ. नाटक चालू हुआ. बोल हाय. गोइंग ऑन अ सोलो डेट. मैं जा रही हूँ आज नाटक देखने, ड्रामा देखने, मेरे फेवरेट एक्टर का मराठी ड्रामा. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. फर्स्ट टाइम मैं उसको लाइव देखेगी. आई लुक सो बैड. एनीवेज, गुड मॉर्निंग. आई एम ऑल फ्रेश एंड क्लीन एंड नाउ इट इज टाइम टू मेक लंच. बाहर कितना डार्क हो गया है, कैमरा में नहीं दिखता ऑफकोर्स, बट मुझे बाहर जाना है और बारिश जैसा मौसम है. आई एम जस्ट होपिंग कि बारिश ना आए, क्योंकि मुझे बारिश में नहीं जाना है बाहर, बहुत गंदा लगता है. सुबह से मस्त धूप. क्या लाइटिंग का प्रॉब्लम है. आई एम लाइक रियली सॉरी. हाँ, सुबह से लाइक अच्छे से धूप. सीरियसली, सुबह से लाइक अच्छे से धूप निकली थी और अभी बारिश जैसा मौसम हुआ है. एनीवेज, लेट्स मेक लंच. तो मैं बनाने वाली हूँ दाल. या ऑल्सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. और ये काफ़ी डार्क लग रहा है वीडियो. लाइक मैंने दो लाइट्स लगाई है बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है. या मेरे फ़ोन का ब्राइटनेस कम है. एनीवेज, दाल, चावल और अचार. आम का अचार, कैरी का अचार. मुझे खाना बनाना इतना पसंद नहीं है और आता भी नहीं है. आई मीन आता है मतलब जो मैं करती हूँ वो अच्छा होता है. या बट आई लाइक डोंट एन्जॉय इट. तो अभी मैं दो टाइम की दाल बनाने वाली हूँ, अभी और शाम, अभी और रात के लिए भी. सो रात को वापस मुझे कुछ करना ना पड़े. ऑल्सो मैं तो सिर्फ वो नाटक का सोच के इतना एक्साइटेड हो रही हूँ. आई होप आपको मेरी आवाज़ आती रहेगी. एंड सॉरी फॉर दिस. मी असते तर सगळं एक्झॅक्ट बाजूला. मी का बाजूला हो आता घराच्या बाहेर जाणार आहे. मी लसूण काय केलं, आलं लसूण पण येत अग ये मला खायचं. आलं लसूण नाही टाकत लक्षात नाही माझ्या बाजूला. चटके लागल्याशिवाय कसं. एवढ्या लांब राहून कोण जेवण करत. तडका मी तसं करते ग बाई. साधी डाळ कर. साधी डाळ करते.
म्हणजे हात दुखले 500 रुपये लागणार मला. असं का वाटतं काहीतरी मिसिंग आहे दीदी? मला ना खायचं आहे पहिलंच सांग. कुठली डाळ आहे मला माहिती नाही. महाराष्ट्रीयन स्टाईल आहे, गुजराती, राजस्थान, कुठली काय स्टाईल बनवते? डाळ बनवते. युट्यूबवर का आलेलं कुठली स्टाईल? कांदा नाही टाकत आहे, परत रात्री खराब होईल की नाही. आता ह्याच्यात पण काय मागे जायचं? इथे दे मी ढवळ. मला मजा येते ढवळायला, मला ढवळायला मजा येते. बघून अच्छा हा मी कॅमेरामध्ये बघून करते. वाव हेच मला आवडत. मुद्दामूनच केलं, मला नाही लागत. मी जरा कुठे गेलं हे आवडत, कारण तोंड बघ सगळं किचमिट असत. मीठ नको ठेवूस, नाहीतर मला काय खरं नाही वाटत. अरे दरवी रात्रीसाठी पण करते. पूर्ण गावाला केली असं वाटतंय मला. आपण दोघच आहे माहिती आहे ना, जरा 4 दिवस डाळ खायची आहे संपणार. खूप थिन कन्सिस्टन्सी आहे ह्याची. जरा होऊ दे ना, म्हणजे काय जरा उकळू दे तरी. किती वेगळा कलर वाटतो कॅमेरिडियन जेम माझं. हमेशा मी कमी टाकते पण मला अंदाज. कमीच टाक, नाही तर खारट झालं तर मला खरंच अंदाज नाही दिखाचा. कमी झालं तर घे घे. म्हणजे तू नाही खाणार आहे? मला काय फरक नाही पडत ना, एकदमच कमी नसेल तर मला कळेल. नाहीतर काय माझी नाटकं नसतात तशी, जे मिळतं ते मी खा. जाशील का पटकन? आता जरा ह्याला आपण मोठ्या गॅसवर शिफ्ट करूया, म्हणजे कसं व्यवस्थित उकळेल ते. मोठ्या गॅसवर शिफ्ट करूया आणि मस्तपैकी उकळायला देऊया. जब मैं अकेले रहती हूँ तभी ये ऐसी बनती है. अगर मुझे किसी के लिए बनानी रहेगी तो मुझे टेंशन आएगा कि अच्छी टेस्ट करनी चाहिए, फिर वो अच्छी नहीं बनेगी. अब ये कैसे मैंने केयरफ्री बनाया. और जब भी लाइक प्रेशर होता है कि अच्छा बनना चाहिए, तभी कभी अच्छा नहीं बनता है. क्या डाळच चांगली करते? अजून पण मी बटाट्याची कापं पण चांगली चांगली करते. हो मी ते चांगलं, मी जे पण करते चांगलं करते. अभी खाना खाए, लेट्स गेट रेडी. काफी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं. ट्रांजिशन ट्राई करूँ क्या? मैंने कब से ट्रांजिशन नहीं किया है. आई जस्ट चेंज माई आउटफिट. ओके 1 2 कैसे करूँ? लेट्स गेट चेंज्ड. I'm wearing this short kurta and tight jeggings. Recently, मुझे नाटक देखने का करने का तो पहले से शौक है. Recently देखने का भी शौक लग गया है.
माई डैड लव्स वॉचिंग ड्रामाज, मराठी ड्रामाज. तो नाटक दो टाइप्स का होता है. मराठी में नेम करना रहेगा तो एक व्यावसायिक और एक प्रायोगिक. व्यावसायिक मतलब कमर्शियल, प्रायोगिक मतलब आई गेस एक्सपेरिमेंटल प्ले बोलते हैं उसको. तो आज जो मैं नाटक को जा रही हूँ वो एक्सपेरिमेंटल प्ले है और मुझे जाना है जुहू में पृथ्वी थिएटर. कमर्शियल नाटक का सीट्स आप पहले से ही बुक करते हो पर इसमें लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहता है. तो मैं कभी एक्सपेरिमेंटल प्लेस को गई नहीं हूँ तो आई डोंट नो कितना जल्दी जाना पड़ता है जिससे लाइक आपको फ्रंट सीट मिले, क्योंकि नाटक देखने का लाइक रियल मज़ा आगे बैठ के ही आता है. मिरर में देख के करती हूँ. परफ्यूम समझ के बॉडी वॉश निकाली. ये एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था बॉडी लोशन. ये सेट ऑफ थ्री है, बॉडी वॉश और बॉडी मिस्ट आता है और बॉडी लोशन आता है. सो ये तीन काफी मस्त स्मेल करते हैं. बाल का क्या करूँ समझ नहीं रहा है. तो बाहर इतना बारिश भी है. नहीं मस्त लगता है. मेरा बाल को ना कल रात को मुझे लाइक काफी हेडेक हो रहा था सो मैंने ऑयल लगाया था बाल में और वो नहीं गया है वॉश करके भी. आई बी बैक. पता नहीं क्यों पर बाल इतने स्ट्रेट नहीं हो रहा, शायद ऑयली है इसलिए. मुझे ना ऐसा काफी मिडल पार्टीशन स्लीक लुक चाहिए था बट ऐसा हो नहीं रहा है. हम क्या करें. हो गया कैमरा में पता नहीं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बट मिरर में अच्छा लग रहा है, रियल में पता नहीं. नाउ लेट्स पैक माय एसेंशियल्स. रुमाल, वॉलेट, क्लिप ये रखती हूँ, कोम्ब, लिपस्टिक एंड लिप बाम, बॉडी मिस्ट, ईयरफोन्स, पानी और छाता लेना है. छाता यहाँ ही है. छाता एंड आई एम डन. दिस इज आपको नहीं दिख रहा, रुको. दिस इज माई आउटफिट एंड दिस इज हाउ आई लुक. कसं भेटलं तू पहिल्यापासून सांग. पहिलं मी गेली आणि एवढं पण पहिल्यापासून नाही, ललितला भेटण्याच्या पहिल्यापासून. अरे नाटक झालं आणि मग मी वॉशरूमला गेली. फक्त होप करत होते की तोपर्यंत जायला नको बाहेर ते लोक, म्हणजे तो फोटो काढून, कारण नंतर त्याचा अजून एक शो होता. मग काय मी गेली आणि लोक ऑलरेडी काढत होती फोटो आणि मग मी अशी होती की माझा फोटो कोण काढणार, की मी सेल्फी काढू की बॅक कॅमने काढलेला चांगला येईल, की सेल्फी काढला आणि मी घाण आला मग एकच फोटो राहील, मग फोटो काढू की व्हिडिओ करू ब्लॉगसाठी, असे खूप विचार चालत होते माझ्या डोक्यामध्ये. मग मी हँडशेक केला आणि दोन ऑकवर्ड लाईन बोलली, ते मी सांगणार नाही कारण ते खूप ऑकवर्ड होते, कारण मला कळत नाही असं भेटल्यावर काय बोलायचं. एकतर मी इंट्रोवर्ट, त्याच्यात तो माझा फेवरेट ऍक्टर, त्याच्यात मी त्याला पहिल्यांदा हे बघते आणि पहिल्यांदा बोलतेय आणि त्याच्यात त्याला दुसरा प्रयोग होता, मग काय बोलायचं मला कळलं. खूप विचार करतेस तू लोकांचा. मग नंतर मग त्याला बोलली की मी व्हिडिओ करते फक्त व्हिडिओसाठी, हाय बोल. मग त्यांनी केलं खूप आणि तो व्हिडिओ किती क्यूट आहे, तुझ्याकडे बघतोय असा नंतर कोणीही पाग. मेरी कजिन आ रही है तो उसको मैं दिखाने वाली हूँ. मैं ललित से मिली वो, क्योंकि वो भी ललित की बहुत बड़ी फैन है और वो लाइक काफी एक्साइटेड हो जाती है सेलिब्रिटीज को देख के.
तो उनको ज्यादा भाव प्रांजल बोलती है सेलिब्रिटीज को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए और खुद ही इतना एक्साइटेड हो गई थी। मैं किसी और को मिलती तो नहीं होता ये ऐसा, बट तुम आज से हिंदी का बोलते आता मैं ट्रांसलेट करत बसू कर सबको समझना चाहिए ना। दो ही लोग हैं जिनको मैं देख के ऐसा चिल्लाएगी लाइक मिलने मतलब चिल्लाएगी मतलब एक्साइटेड हो जाएगी ओवरवेल्म हो जाएगी, एक तो ललित था उसमें से मुझे ट्रॉफीज का नाक होते छोड़े और माझे ते चला और क्या अर्ध्या क्यों मुझे समझाइए अर्ध्या क्यों बोली क्योंकि ये आ गया मुझे नाटक का एक्सपीरियंस बताना था आपको। वेयर शुड आई स्टार्ट? हाँ, नाटक देखने जाने के तीन मेन रीजंस थे। फर्स्ट तो ललित को देखना था, सेकंड मैंने कभी प्रायोगिक नाटक देखा नहीं था तो वो एक्सपीरियंस करना था, और थर्ड मतलब मैंने नाटक के बारे में पढ़ा था पहले से क्या है और मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी मस्त लगा था इसलिए आई वेंट। और लाइक ये एक्सपेरिमेंटल प्लेस होते हैं उनके काफ़ी कम शोज़ होते हैं कंपेयर टू कमर्शियल प्लेस, तो इनके पहले शोज़ पुणे में हुए थे एंड तभी आई वाज होपिंग कि मुंबई में हो जाए। मैं वेट कर रही थी कि मुंबई में कब होगा और जैसे ही लाइक मुंबई के डेट्स अनाउंस हुए मैंने तभी ही टिकट बुक की क्योंकि पुणे के शोज़ हाउसफुल गए थे और मुझे रिस्क नहीं लेना था, मुझे जाना ही था। वहाँ पे मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहता है। लाइक अपन कमर्शियल प्लेस का टिकट्स बुक करते हैं, मूवीज़ का टिकट्स बुक करते तो अपने को जो सीट चाहिए अपन वो अपन सिलेक्ट करते हैं, बट इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहता है तो इसलिए मुझे जल्दी जाना था क्योंकि मुझे पता था लोग जल्दी आएंगे और मैं 4 बजे तक आई गेस 4:45 तक पहुंच गई और फिर बाहर हम लोग लाइन में बैठे थे। मेरे पहले भी लोग आए थे बट आई वॉज लाइक कंपेरेटिवली वेरी अर्ली। हाँ, और एक चीज़, जाने से पहले मैंने थिएटर का फोटोज़ देखा था इंटरनेट पे और मैंने तभी सिलेक्ट किया था कि मुझे कौन से सीट पे बैठना है जहाँ से व्यू एकदम मस्त है। मुझे सेकेंड रो का मिडल में बैठना था। जब अंदर छोड़ा तो मेरे आगे जो थे वो जाके फर्स्ट रो में बैठ गए और मैं सेकेंड रो का मिडल सीट पे बैठ गई। आई वॉज लाइक सो हैप्पी। और फिर नाटक चालू हुआ चालू हुआ नाटक और वो आया, आई वाज लाइक वाओ। क्यूट ही इज ऑल्सो, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। मुझे तो इतना सही लग रहा था कि लाइक जिसको टीवी की स्क्रीन पे देख के इतना अडोर किया तो उसका लाइव एक्टिंग देखना, आई मीन ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। ऑल्सो जो फीमेल एक्टर थी वो भी बहुत कमाल की थी, उसका भी एक्टिंग बहुत सही था। 2 कैरेक्टर प्ले था और दोनों भी एकदम मस्त थे। या यही था स्टोरी। अगर आई गेस अभी उनका आज मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तब उनका दिल्ली में शो हुआ, नेक्स्ट आई गेस पुणे में होने वाला है। आई होप कि वापस मुंबई में हो, तो अगर चांस मिला तो मैं दोबारा जाना चाहूँगी। या ऐसा लग रहा है मैं प्रमोट कर रही हूँ, मतलब प्रमोट ही कर रही हूँ बट नॉट पेड ऑफकोर्स। या दैट्स इट। ये वाला व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है बट I'll see you next Saturday.